विपेंद्रों, तदंतर किसी दिन सभी प्राणियों के लिए भयंकर विदेह नाम का दानव उनकी पुरी में चला आया। भयंकर दाढ़ों वाला प्रलय कालीन अग्नि के समान उद्दीप्त वह दानव सूर्य के समान चमकते हुए शूल को लेकर दसों दिशाओं में गरजने लगा। उसकी भयंकर गर्जना को सुनकर वहां रहने वाले कुछ मनुष्यों ने प्राण त्याग दिए और दूसरे भय से विह्वल होकर भाग पड़े। तब कार्तवीर्य के सभी पुत्र सावधान होकर सख्त सेना, पर्वत शिला, तलवार तथा मुद्गरों से उस दानों के साथ युद्ध करने लगे। ब्राह्मणों, उस भयंकर दानों ने शूल से उन सभी का हंसते हुए वैसे ही निवारण कर दिया जैसे प्रलय काल में भैरव करते हैं। तब महाबली, शूरसेन आदि वे पांच राजा युद्ध के लिए तैयारी कर विदेह दानों पर टूट पड़े। शूर ने रौद्रास्त्र, सूरसेन ने वारुणास्त्र, कृष्ण ने प्रजापत्यास्त्र, धृष्ण ने वायव्यास्त्र और जयध्वज ने कौबेर, ऐन्द्र तथा आग्नेयास्त्र चलाया, किंतु उस दानव ने शूल से उन सभी अस्त्रों को तोड़ डाला। तब महावीरशाली कृष्ण ने भीषण गदा लेकर मंत्र से उसे अभिमंत्रित कर वेगपूर्वक फेंका और गर्जना की। वह गदा उस विदेह की पत्थर के समान छाती पर लगकर भी यमराज तुल्य उस दानों को विचलित करने में समर्थ न हो सकी। उसके महान पौरुष को देखकर भयग्रस्त हो वे सभी भागने लगे। तब बुद्धिमान जयध्वज ने अप्रमेय, अनामय, लोकादि, ग्रशिष्णु, त्राणकर्ता, पूर्व पुरुष श्रीपति और पीताम्बरधारी जगतपति विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्त पर अनुग्रह करने के लिए वासुदेव की आज्ञा से 10,000 सूर्यों के समान प्रकाशमान चक्र प्रकट हुआ। राजा जयध्वज ने जगद्योन नारायण का ध्यान कर उस चक्र को ग्रहण किया और विदेह दानों पर उसी प्रकार चलाया जैसे विष्णु दानवों पर चलाते हैं। सुदर्शन चक्र उस भयंकर दानों के कंधे पर लगा और उसने उसके पर्वत शिखर के समान सिर को पृथ्वी पर गिरा दिया। देवताओं के शत्रु उस विदेह दानों के मारे जाने पर राजा शूर आदि सभी भाई अपनी रमणीय पुरी में चले आए और उन्होंने भाई जयध्वज की पूजा की। महामुनि भगवान विश्वामित्र जयध्वज के पराक्रम को सुनकर उस कार्तवीर्य पुत्र को देखने आए। उनको विश्वामित्र को आया देखकर आश्चर्यचकित मन वाले राजा जयध्वज ने सुंदर आसन पर उन्हें बिठाया और भक्ति भाव से उनकी पूजा की तथा कहा, भगवन, आपकी कृपा से मैंने युद्ध में भयंकर असुर दानवेश्वर विदेह को मार गिराया। आपके कहने से मैं संयम युक्त होकर सत्य पराक्रमी विष्णु की शरण में गया और उन्होंने मेरे ऊपर शुभ अनुग्रह किया। कमल दल के समान नेत्र वाले परम ईशान विष्णु का मैं पूजन करूंगा। उन ईश्वर हरि का किस विधान से किस प्रकार पूजन किया जाना चाहिए? सुब्रत, ये नारायण देव कौन हैं? उनका क्या प्रभाव है? यह सब मुझे बतलाइए। मुझे इस विषय में अत्यधिक कौतूहल है। विश्वामित्र ने कहा, जिनसे सभी प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिनमें यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है, वे विष्णु सभी प्राणियों के आत्मरूप हैं। उनका आश्रय ग्रहण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। अपने अपने वर्ण और आश्रम धर्म में स्थित रहते हुए केवल निष्काम भाव से उन पुरुषोत्तम विष्णु का पूजन करना चाहिए, अन्य किसी भाव से नहीं। इतना कहकर महामुनि भगवान विश्वामित्र उन शूरसेन आदि के द्वारा पूजित होकर अपने निवास स्थान को चले गए। तदंतर शूरसेन आदि ने यज्ञ के द्वारा कामना रहित होकर यज्ञ गम्य उन अव्यय रुद्रदेव महेश्वर का यजन किया। सर्वज्ञ भगवान वशिष्ठ तथा रुद्र भक्त गौतम, अत्रि तथा अगस्त्य ने उन लोगों का यज्ञ कराया। भगवान विश्वामित्र ने शत्रुओं का दमन करने वाले जयध्वज से प्राणियों के आदि कारण आदिदेव जनार्दन संबंधी विष्णु यज्ञ कराया। उस जयध्वज के यज्ञ में महायोगी देव स्वयं भगवान हरि साक्षात प्रकट हुए। यह एक अद्भुत बात है। जो जयध्वज के इस पराक्रम को नित्य सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे एकविंशोऽध्यायः 22वां अध्याय। जयध्वज के वंश वर्णन में
राजा दुर्जय का आख्यान महामुनि कण्व द्वारा दुर्जय को वाराणसी के विश्वेश्वर लिंग का महात्म्य बतलाना, दुर्जय का वाराणसी जाकर पापमुक्त होना तथा सहस्रजित वंश का वर्णन। सूत जी ने कहा, जयध्वज का एक पुत्र था जो तालजंग नाम से प्रसिद्ध था। उसके 100 पुत्र हुए जो तालजंग ही कहलाते थे। उनमें वीतिहोत्र नाम का पुत्र बलवान राजा सबसे बड़ा था। दूसरे वृष इत्यादि नाम वाले यादव पुण्यकर्मा थे, उनमें वृष वंश को बढ़ाने वाला था। उसका मधु नामक पुत्र हुआ, मधु के 100 पुत्र हुए, किंतु उनमें वृषण ही उस मधु का वंशधर हुआ। वीतिहोत्र का भी विश्रुत अथवा अनंत नाम वाला एक पुत्र हुआ, उसका पुत्र दुर्जय हुआ जो सभी शास्त्रों का ज्ञाता था। उसकी भार्या रूपवती तथा सभी गुणों से अलंकृत तथा पतिव्रता थी। वह पति दुर्जय के साथ अपने धर्म का पालन करती थी। किसी समय उस महाभाग्यशाली दुर्जय ने कालिंदी नदी के किनारे बैठी हुई मधुर स्वर में गीत गाती हुई देवी उर्वशी को देखा। तब काम के द्वारा विचलित मन वाला वह उसके समीप में गया और कहने लगा, देवी चिरकाल तक मेरे साथ रमण करो। रूप और लावण्य से संपन्न तथा दूसरे कामदेव के समान उस राजा को देखकर उस देवी ने चिरकाल तक उसके साथ रमण किया। बहुत समय के बाद ज्ञान प्राप्त होने पर राजा ने उस रमणीय उर्वशी से कहा, अब मैं अपनी सुंदर पुरी को जाऊंगा। इस पर वह हंसते हुए कहने लगी, राज सुंदर, आपके साथ इतने उपभोग से मुझे प्रसन्नता संतुष्ट नहीं हुई है, अतः पुनः एक वर्ष तक यहाँ और ठहरें। इस पर बुद्धिमान राजा ने उस उर्वशी से कहा, मैं अपनी पुरी में जाकर पुनः शीघ्र ही यहाँ वापस लौटूंगा, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दो। उस सुभगा ने उससे कहा, राजन वैसा ही कीजिए, किंतु तब तक आप पुनः किसी अन्य अप्सरा के साथ रमण न करें। अच्छा, ऐसा कहकर वह शीघ्र ही परम शोभन अपनी पुरी को चला गया। पुरी में जाकर अपनी पतिव्रता पत्नी को देखकर वह राजा भयभीत हो गया। उस राजा की पीन पयोधरों वाली उस गुणवती तथा पतिव्रता भार्या ने डरे हुए पति को देखकर प्रसन्न वाणी से कहा, स्वामिन आज आप इतने क्यों डर रहे हैं? जो भी बात हो मुझे सत्य सत्य बतलाइए। इस प्रकार का भय राजाओं के लिए कीर्तिकर नहीं है। उसकी बात सुनकर उस राजा का मन लज्जा से झुक गया। राजा कुछ भी नहीं बोला, किंतु उस रानी ने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया। वह बोली, स्वामिन आपको डरना नहीं चाहिए, पाप का प्रायश्चित शोधन करना चाहिए। हे महाराज, आपके भयभीत रहने से आपका राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। तब वह द्युतिमान राजा अपने नगर से बाहर निकलकर पवित्र कण्व के आश्रम में गया। वहाँ महामुनि कण्व का दर्शन कर तथा कण्व के मुख से प्रायश्चित की कल्याणकारी विधि सुनकर प्रायश्चित के द्वारा आत्मशुद्धि के उद्देश्य से वह महाबलवान राजा दुर्जय हिमालय पर्वत की ओर गया। उस राजेंद्र ने मार्ग में जाते समय आकाश में अपने तेज से प्रकाशित होते हुए गंधर्व श्रेष्ठों में उत्तम एक गंधर्व को देखा जो दिव्य माला से विभूषित था। माला को देखकर शत्रुओं का विनाश करने वाले उस राजा को श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी का स्मरण हो आया। उसने मन में विचार किया कि यह माला तो उस उर्वशी के ही योग्य है। तब माला प्राप्त करने को उद्यत उस अत्यंत कामुक राजा ने उस गंधर्व के साथ महान युद्ध किया। ब्राह्मणों, युद्ध में गंधर्वों को जीतकर और माला लेकर वह दुर्जय उस अप्सरा को देखने के लिए आदरपूर्वक कालिंदी के किनारे गया। वहाँ अप्सरा को न देखकर कामदेव के बाण से अत्यंत पीड़ित वह 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी पर घूमने लगा। उर्वशी के दर्शन के लिए उत्सुक वह हिमालय के पार्श्व भाग को पार कर उस श्रेष्ठ पर्वत पर पहुँचा जो हेमकूट नाम से विख्यात है। वहाँ उन स्थानों में रहने वाली वे श्रेष्ठ अप्सराएं उस विचित्र माला से विभूषित एवं सिंह के समान पराक्रम वाले राजा को देखकर अत्यंत कामासक्त हो गईं। उर्वशी के वाक्य का स्मरण करते हुए और उसी में आसक्त मन वाले उस राजा ने उन सभी अप्सराओं को नहीं देखा और वह पर्वतों के शिखरों पर चला गया।
वहां भी दिव्य अप्सरा उर्वशी को न देखकर देवताओं के समान पराक्रम वाला वह काम पीड़ित राजा देवताओं के स्थान महामेरु पर गया। अपने बाहुबल के प्रभाव से गिर शिखरों को पार करता हुआ वह तीनों लोकों में विख्यात मानस नामक सरोवर पर पहुंचा। उसने उसके मान सरोवर के किनारे पर विचरण करती हुई सुंदर अंगों वाली अत्यंत स्नेहमयी सुंदरी उर्वशी को देखा और वह माला उसे दे दी। तब उस देवी को माला से विभूषित देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने को कृतार्थ समझते हुए उसने चिरकाल तक उसके साथ रमण किया। अनंतर उर्वशी ने श्रेष्ठ राजा से कहा, राजन आपने पहले पुरी में जाकर क्या किया, व्यर्थ ही आप वहां गए। तब उसने पत्नी द्वारा कही गई वह बात कण्व ऋषि का दर्शन तथा माला का अपहरण सभी कुछ उसे बता दिया। उसके द्वारा कही गई इन बातों को सुनकर हित चाहने वाली उस उर्वशी ने आप चले जाएं ऐसा कहा, अन्यथा आपको कण्व शाप दे देंगे और आपकी प्रिया भी मुझे शाप दे देगी। बार बार उसके कहने पर भी कामरूपी मद से मोहित हुए महाराज ने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसमें ही मन लगाए रखा। तदंतर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली उर्वशी राजा को रोमों से युक्त पिंगल वर्ण के नेत्रों वाला अपना उत्कट रूप सदा दिखलाने लगी। उसका वह विभत्स रूप देखकर उसके प्रति विरक्त मन वाले राजा ने कण्व मुनि द्वारा कही गई बात का स्मरण कर मुझे धिक्कार है ऐसा निश्चय कर तप करना आरंभ किया। राजा ने 12 वर्ष तक कंदमूल तथा फल का आहार किया और पुनः 12 वर्षों तक केवल वायु का ही भक्षण किया। कण्व के आश्रम में जाकर राजा ने डरते डरते अप्सरा के साथ निवास करने और पुनः उत्तम तपस्या करने की सारी बातें उन्हें बता दीं। उस श्रेष्ठ राजा को देखकर प्रसन्न हुए भगवान ऋषि कण्व ने उसके पाप को समूल नष्ट करने की इच्छा से यह कहा। मुनि कण्व बोले, राजन तुम ईश्वर जहाँ विशेष रूप से निवास करते हैं उस दिव्य वाराणसीपुरी में जाओ। संसार को मुक्त करने के लिए महेश्वर देव वहाँ रहते हैं। गंगा में स्नान कर विधिपूर्वक देवताओं एवं पितरों का तर्पण कर विश्वेश्वर लिंग का दर्शन करने से तुम संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओगे। इसके बाद कण्व को सिर से प्रणाम कर और उनकी आज्ञा प्राप्त कर वह दुर्जय वाराणसी में गया और भगवान शंकर का दर्शन कर पाप से मुक्त हो गया। तदंतर वह अपनी सुंदरपुरी में जाकर पृथ्वी का पालन करने लगा। प्रार्थना करने पर कण्व मुनि ने कृपा करके उसका यज्ञ कराया। उसका बुद्धिमान पुत्र सुप्रतीक इस नाम से विख्यात हुआ। उत्पन्न होते ही उसे लोगों ने राजा मान लिया। ब्राह्मणों उर्वशी से देव पुत्रों के समान महान वीरवान 7 पुत्र हुए। उन्होंने गंधर्वों की कन्याओं को अपनी पत्नी बनाया। आप लोगों से मैंने यह मनुष्यों के पाप को नष्ट करने वाला सहस्रजित का उत्तम वंश भलीभांति बतलाया। अब क्रोष्ट के वंश को भी सुने। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे 22वां अध्याय 23वां अध्याय यदुवंश वर्णन में क्रोष्ट वंशी राजा का वृतांत, राजा नवरथ की कथा, सात्वत वंश वर्णन में अक्रूर की उत्पत्ति, राजा आनक दुंदुभि का आख्यान, कंस तथा वसुदेव देवकी की उत्पत्ति, वसुदेव का वंश वर्णन, देवकी के अन्य पुत्रों की उत्पत्ति, रोहिणी से संकर्षण बलराम तथा देवकी से श्री कृष्ण का आविर्भाव, वासुदेव श्री कृष्ण का वंश वर्णन। सूत जी ने कहा, क्रोष्ट का एक पुत्र हुआ जो ब्रजनिवान नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका महान पुत्र स्वाति हुआ और उसका पुत्र उषदगु हुआ। उषदगु का चित्ररथ नाम का बलवान पुत्र हुआ। चित्ररथ का पुत्र लोक में शशबिंदु नाम से विख्यात हुआ। उसका पृथु यशा नाम वाला पुत्र धर्मपरायण राजा हुआ। उसका पुत्र पृथुकर्मा और उससे पृथुजय हुआ। उससे पृथुकीर्ति और उससे पृथुदान हुआ। उसका पुत्र पृथुश्रवा
और उसका पुत्र था पृथुसत्तम। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस पृथुसत्तम का पुत्र उशना हुआ और उसका सितेशु पुत्र हुआ, फिर उसका रुक्म कवच और उस रुक्म कवच का परावृत्त हुआ। परावृत्त ने संसार में विख्यात जामघ नामक पुत्र उत्पन्न किया, उससे विदर्भ उत्पन्न हुआ और विदर्भ से क्रथ, कैशिक तथा तीसरा रोमपाद नामक पुत्र हुआ। उस रोमपाद का पुत्र बभ्रु राजा था, धृति उसका पुत्र हुआ और उसका भी संस्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। संस्त का विश्वसह नाम वाला बलवान पुत्र हुआ, उसका पुत्र महापराक्रमी प्रजावान और उसका पुत्र कौशिक हुआ। उस कौशिक का बुद्धिमान सुमंतु नामक पुत्र था और उसका पुत्र अनंत था। कैशिक का पुत्र चेदि था और उस चेदि के पुत्र चैद्य हुए। उन चैद्यों में ज्योतिष्मान प्रधान था और वपुष्मान उसका पुत्र हुआ। वपुष्मान से बृहन्मेधा और श्रीदेव उसका पुत्र हुआ। ब्राह्मणों, उसका वीतरथ नामक पुत्र महान बलशाली और रुद्र का भक्त था। ब्राह्मणों, कृथ का पुत्र कुंती और उसका पुत्र वृष्ण हुआ। वृष्ण से निवृत्ति उत्पन्न हुआ और दशहारह उसका पुत्र हुआ। दशहारस का पुत्र आरोह था और उसका जिमूत पुत्र हुआ। जिमूत का विकृत नामक बलवान पुत्र शत्रुवीरों का नाशक था, उसका भीमरथ नामक पुत्र हुआ। उससे नवरथ हुआ जो नित्य दान धर्म में परायण तथा पूर्ण रूप से सील संपन्न था। श्रेष्ठ मुनियों, किसी समय आखेट के लिए जाते हुए वह नवरथ एक बलवान राक्षस को देखकर अत्यंत भयभीत होकर भागने लगा। अग्नि के समान प्रज्वलित वह महाबलवान दुर्योधन नामक राक्षस क्रुद्ध होकर अपने विशाल हाथ में शूल लेकर उसके पीछे दौड़ा। भयभीत राजा नवरथ ने समीप में ही देवी सरस्वती से रक्षित एक परम श्रेष्ठ स्थान देखा। वह बुद्धिमान राजा अति शीघ्र ही वहां पहुंचा और साक्षात देवी सरस्वती का दर्शन करके उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस शत्रुजयी ने हाथ जोड़ते हुए अभिष्ट स्तुतियों द्वारा स्तुति की। वह भूमि पर दंडवत गिर पड़ा और कहा, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अनादि अनंत ब्रह्मचारिणी ईश्वरी महादेवी वाग देवता साक्षात देवी सरस्वती को नमस्कार करता हूँ। जगत की मूल कारण रूपा परम कला स्वरूपा तीन नेत्र वाली मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाली एवं हिरण्य गर्भ की महिषी योगिनी को नमस्कार है। चित्त काल रूप परमानंद स्वरूपा ब्रह्म रूपिणी को नमस्कार है। परमेशान भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। इसी बीच क्रुद्ध वह राक्षस राजा को मारने के लिए उसी स्थान पर आ पहुँचा जहाँ देवी सरस्वती थीं। बल से दर्पित वह राक्षस शूल उठाकर तीनों लोकों की जननी के उस सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित स्थान में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। इसी बीच किसी प्रलयकालीन सूर्य के समान महान बलशाली ने शूल से उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर पृथ्वी पर गिरा दिया और कहा, महाराज, आप अब निर्भय होकर शीघ्र ही इस स्थान से चले जाएं, यहाँ अब फिर रुके नहीं, राक्षस मारा जा चुका है। ब्राह्मणों, तब प्रसन्न मन वाला वह नवरथ उन परा देवी को प्रणाम कर इंद्र की नगरी के समान अपनी नगरी को चला। वहाँ उसने भक्ति युक्त होकर देवेश्वरी सरस्वती की स्थापना की और विविध यज्ञों तथा होमों के द्वारा उन देवी का यजन किया। उसका दशरथ नामक परम धार्मिक पुत्र था, वह महातेजस्वी देवी भक्त था। उसका पुत्र शकुनि था, उससे करंभ हुआ, उसका देवरात हुआ। उसने अश्वमेध यज्ञ किया जिसके फलस्वरूप उसको देवक्षत्र नामक पुत्र हुआ। उस देवक्षत्र का पुत्र मधु हुआ, उससे कुरुवश हुआ। उसके सुत्रामा तथा अनु नामक दो पुत्र हुए। अनु का पुरुकुत्स हुआ तथा उसका पुत्र अनुशु था। अनुशु का पुत्र सतत्व था जो विष्णु भक्त प्रतापी महात्मा दानशील और धनुर्वेद जानने वालों में श्रेष्ठ था।
उसने नारद जी के कहने पर वासुदेव की पूजा से युक्त शास्त्र का प्रवर्तन किया, जिसे कुंड गोलकों ने सुना। उसके नाम से सात्वत ऐसा विख्यात कुंडादिकों के लिए कल्याणकारी सुंदर शास्त्र प्रवर्तित हुआ। उस सतत्व का सभी शास्त्रों में पारंगत सातत्व नामक पुत्र हुआ। वह महाराज पूर्ण श्लोक था, उसने उस सातत्व शास्त्र का प्रवर्तन किया। सत्व संपन्न सातत्व की पत्नी कौशल्या ने अंधक महाभोज वृष्णि राजा देवावृद्ध तथा धनुर्वेदज्ञों में श्रेष्ठ भजमान नामक ज्येष्ठ पुत्र को जन्म दिया। उनमें से राजा देवावृद्ध ने मुझे सभी गुणों से संपन्न शक्तिशाली पुत्र हो इस आशय से परम तप किया। उसका पुत्र बभ्र नाम से विख्यात पूर्ण श्लोक राजा हुआ। वह धर्मात्मा रूप संपन्न तथा सदा तत्व ज्ञान परायण रहता था। भजमान की सृंजयी पत्नी से भजमान ही नाम वाले अनेक पुत्र हुए। उनमें से निमि तथा कृष्ण ये दो प्रधान तथा विख्यात थे। महाभोज के वंश में भोज तथा वैमार्तिक उत्पन्न हुए। वृष्ण के बलवान सुमित्र अनमित्र तथा शिनी हुए। अनमित्र से निघ्न हुआ और निघ्न से महाभाग्यवान प्रसेन तथा श्रेष्ठ सत्राजित नाम वाले दो पुत्र हुए। कनिष्ठ वृष्णनंदन अनमित्र से सिनी उत्पन्न हुआ। उसका सत्यक नामक पुत्र हुआ, जो सत्य बोलने वाला तथा सत्य संपन्न था। सत्यक का पुत्र युयुधान और उसका पुत्र असंग हुआ। उसका पुत्र बुद्धिमान कुड़ी था और युगंधर उसका पुत्र हुआ। वृष्ण को माद्री से यदुनंदन प्रंशी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रिंस को स्वफल्क तथा चित्रक नाम वाले दो पुत्र हुए। स्वफल्क ने काशीराज की पुत्री को अपनी भार्या बनाया और उससे अक्रूर नामक धार्मिक पुत्र उत्पन्न किया। उपमंगु तथा मंगु नाम वाले उनके बहुत से पुत्र थे। अक्रूर का देववान इस नाम से प्रसिद्ध पुत्र कहा गया है। पुण्यात्मा उपदेव भी उसका पुत्र हुआ। उन दोनों को विश्व तथा प्रमाथी नामक दो पुत्र हुए। चित्रक के पृथु विपृथु अश्वग्रीव सुबाह सुपार्श्वक तथा गवेषण नामक पुत्र हुए। काश्य की पुत्री ने अंधक से कुकुर भजमान शुचि तथा कंबल बरहिश नामक चार पुत्र को प्राप्त किया। कुकुर का पुत्र वृष्ण हुआ और वृष्ण का पुत्र कपोत रोमा विपुल हुआ। उसका पुत्र बिलोमक हुआ। उस बिलोमक का विद्वान नल नामक पुत्र हुआ, जो तुम्बरु का मित्र था। अनु भी उसका नाम हुआ। अनु का पुत्र आनक दुंदुभी हुआ। ब्राह्मणों उसने गोवर्धन पर्वत पर जाकर महान तप किया। तब लोक महेश्वर देव ब्रह्मा ने उसे वर प्रदान किया और कहा, तुम्हारे वंश की अक्षय कीर्ति होगी तथा तुम्हें गुरु से भी अधिक श्रेष्ठ गान योग संगीत कला की स्वाभाविक प्रतिभा और इच्छानुसार रूप धारण करने की योग्यता प्राप्त होगी। वर प्राप्त कर प्रशांत मन वाले उसने देवताओं द्वारा पूजित वरणीय और वृषवाहन स्थान शंकर की गान संगीत द्वारा पूजा की। गान में रत उस आनक दुंदुभी को भगवान देव अंबिकापति शंकर ने देवताओं के लिए भी दुर्लभ विवाह करने योग्य कन्या रूपी रत्न प्रदान किया। भार्या रूप में उसका साथ प्राप्त कर शत्रुनाशक राजा ने उस चंचल आँखों वाली अपनी प्रिया भ्रांत लोचना को श्रेष्ठ गान योग सिखलाया। राजा ने उससे सुंदर भुजा वाले शोभन नामक पुत्र तथा रूप और लावण्य से संपन्न हेमती नाम की कन्या को उत्पन्न किया। तब माता भ्रांत लोचना ने बाल्यावस्था में ही उस शोभन नामक पुत्र को तथा कन्या हेमती को भी विधिवत गान विद्या की शिक्षा प्रदान की। उपनयन होने के अनंतर विधिपूर्वक गुरु से वेदों का अध्ययन कर शोभन ने गंधर्वों की मानसी नामक कन्या से विवाह किया और उससे वीणा बजाने का तत्व जानने वाले तथा संगीत शास्त्र में पारंगत पांच श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न किया। पुत्र पौत्र तथा पत्नी सहित गान विद्या में पारंगत उस राजा ने गायन द्वारा त्रिपुर का नाश करने वाले देव शंकर की पूजा की। लक्ष्मी के सदृश विशाल नेत्रों वाली जो हेमती नाम की कन्या थी, सुबाहु नामक
गंधर्व उसे लेकर अपनी पुरी में चला गया। अत्यंत तेजस्वी गंधर्व को भी उस हिमति से सुषेण, वीर, सुग्रीव, सुभोज तथा नरवाहन नाम के पुत्र हुए। आनक दुंदुभि का अभिजित नामक एक वीर पुत्र था। अभिजित का पुनर्वसु और उससे आहुक का जन्म हुआ। द्विजमतों आहुक के दो पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। देवक के देवताओं के समान देववान उपदेव, सुदेव तथा देवरक्षित नाम वाले चार वीर पुत्र हुए। इनकी सात बहनें थीं, वृकदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा, सुव्रता तथा देवकी। इनमें सुंदर मध्य भाग वाली देवकी सबसे बड़ी थी। ये सभी वसुदेव को दी गईं। उग्रसेन के नग्रोध, कंस, सुभूमि, राष्ट्रपाल, तुष्टिमान तथा शंकु नाम वाले पुत्र थे। भजमान का प्रख्यात विदुरथ नाम वाला पुत्र हुआ। उसका पुत्र शूर, उससे शमी और शमी का प्रतिक्षत्र नामक पुत्र हुआ। उस प्रतिक्षत्र ने स्वयं भोज और उससे शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला पुत्र हृदिक हुआ। उसका पुत्र कृतवर्मा और उसका पुत्र देवर कहलाया। उस शूर से धीमान हुआ और उसका पुत्र वसुदेव था। देवताओं के प्रार्थना करने पर महाबाह जगतगुरु वासुदेव विष्णु वसुदेव से देवकी पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वसुदेव की महाभाग्यशालिनी सुंदर रोहिणी नामक पत्नी से हल्को आयुध के रूप में धारण करने वाले ज्येष्ठ पुत्र संकर्षण राम बलराम को जन्म दिया। वह परमात्मा विष्णु ही ये जगन्मय वसुदेव पुत्र वासुदेव हैं। हलायुध, बलराम, संकर्षण स्वयं साक्षात प्रभु शेष हैं। भृगु के शाप के कारण वे माधव विष्णु भी मनुष्य शरीर स्वीकार कर उन देवकी तथा रोहिणी से उत्पन्न हुए। उमा की देह से उत्पन्न योग निद्रा रूप कौशिकी देवी वासुदेव की आज्ञा से यशोदा की पुत्री हुई। मुनिश्रेष्ठों वसुदेव के अन्य जो वासुदेव नाम वाले ज्येष्ठ पुत्र थे उन सबको कंस ने पहले ही मार डाला। सुषेण, उदाई, भद्रसेन, महाबल, ऋजुदास, भद्रदास और पूर्व में उत्पन्न कीर्तिमान इन सभी वासुदेव के बड़े भाइयों के मारे जाने पर रोहिणी ने वसुदेव से संसार के स्वामी हलायुध बलभद्र राम बलराम को जन्म दिया। राम बलराम के उत्पन्न होने के पश्चात देवकी ने देवताओं के आदि कारण आत्मरूप श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वक्षस्थल वाले अच्युत कृष्ण को जन्म दिया। बलराम की सुंदर गुणों से युक्त रेवती नाम की भार्या थीं। उन्होंने उनसे निसट तथा उल्मुक नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया। वसुदेव देवकी से उत्पन्न साक्षात विष्णु अक्लिष्टकर्मा श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियाँ थीं और उनसे सैकड़ों हजारों पुत्र हुए। वासुदेव श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी से चारुदेशन, सुचारु, चारुवेश, यशोधर, चारुश्रवा, चारुयशा, प्रद्युम्न तथा संख नाम वाले महान बलशाली और पराक्रम संपन्न पुत्र हुए। ये पुत्र सभी पुत्रों में विशिष्ट हुए। रुक्मिणी से उत्पन्न इन वीर पुत्रों को देखकर पवित्र मुस्कान वाली पत्नी जाम्बवंती ने अपने पति जनार्दन श्री कृष्ण से कहा, पुंडरीकाक्ष, दानव सूदन, आप मुझे इंद्र के समान विशिष्ट गुणवानों में श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करें। जाम्बवंती का कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले तपोनिधि जगन्नाथ स्वयं हरि ने तप करना प्रारंभ किया। मुनिश्रेष्ठों उन देवकी पुत्र श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अत्यंत तीव्र महान तप के द्वारा रुद्र का दर्शन कर पुत्र प्राप्त किया उस वृतांत को आप लोग सुने। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे त्रयोविंशोऽध्यायः 24वां अध्याय पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने हेतु भगवान कृष्ण का महामुनि उपमन्यु के आश्रम में जाना, महामुनि उपमन्यु द्वारा उन्हें पाशुपत योग प्रदान करना, तपस्या में निरत श्री कृष्ण को शिव पार्वती का दर्शन और श्री कृष्ण द्वारा उनकी स्तुति करना, शिव द्वारा पुत्र प्राप्ति का वर देना तथा माता पार्वती द्वारा अनेक वर देना और शिव के साथ श्री कृष्ण का कैलाश गमन। सूत जी बोले, ऋषिकेश भगवान पुरुषोत्तम देव ने
पुत्र प्राप्त के लिए तपस्या के निदान रूप में सर्वोत्कृष्ट घोर तपस्या की। अपनी इच्छा से ही अवतीर्ण कृतकृत्य विश्व को धारण करने वाले ये श्री कृष्ण अपने स्वरूप के मूल ईश्वर भाव का परिज्ञान कराने के लिए उत्तम तपह स्थल से अन्वेषण के बहाने पक्षीराज गरुण पर आरूढ़ होकर विचरण करने लगे। हाथों में शंख चक्र गदा लिए तथा श्रीवत्स के चिन्ह से चिन्हित श्री कृष्ण योगियों द्वारा सेवित अनेक प्रकार से पक्षी समूहों में व्याप्त मुनिंद्र महात्मा उपमन्यु के आश्रम में पहुँचे। वह आश्रम विविध प्रकार के वृक्ष एवं लताओं से व्याप्त अनेक प्रकार के पुष्पों से सुशोभित ऋषियों के आश्रमों से युक्त तथा वेद मंत्रों की ध्वनियों से निनादित था। सिंह भालू शभर व्याघ्र और हाथियों से व्याप्त था। स्वच्छ स्वादयुक्त पीने योग्य जल वाले सरोवरों से सुशोभित था। विविध प्रकार के उद्यानों तथा शुभ मंदिरों से संपन्न था। ऋषियों ऋषिपुत्रों महामुनिगणों वेदाध्ययन संपन्न तथा अग्निहोत्र करने वालों से सेवित था। नासिका के अग्रभाग में जिनकी दृष्टि लगी हुई है ऐसे ध्यान परायण योगियों से युक्त सभी प्रकार से पवित्र तत्वदर्शी ज्ञानियों से सेवित और चारों ओर नदियों से घिरा था। वह आश्रम ब्रह्मवादी जापकों शंकर की आराधना में निरत पवित्र तपस्वियों से सेवित सत्य संकल्प वाले परम शांत शोक तथा उपद्रव रहित यथाविधि सभी अंगों में भस्म लगाए हुए रुद्र के जप में परायण मुंडित तथा मात्र जटा रखे हुए तथा जटा के समान शिखा वाले अन्य तपस्वियों ज्ञानियों और ब्रह्मचारियों से नित्य सेवित था। वहाँ सिद्धों के आश्रम से सुशोभित उस रमणीय श्रेष्ठ आश्रम में पापों का नाश करने वाली भगवती गंगा नित्य प्रवाहित रहती थी। उन विश्वात्मा माधव ने उन कलमश रहित तपस्वियों को ढूंढ ढूंढ कर उनके समीप जाकर उन्हें सविधि प्रणाम किया और स्तुतिपूर्वक उनकी पूजा की। उन शंख चक्र गदाधारी योगियों के परम गुरु जगत द्योन श्री कृष्ण को देखकर उन्होंने तपस्वियों ने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और अव्यक्त आदिदेव महामुनि तथा उन सनातन देव का हृदय में ध्यान कर वैदिक मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे और आपस में कहने लगे, ये वही अद्वितीय परम साक्षात नारायण भगवान हैं। स्वयं पुराण पुरुष देव ही इस समय आए हुए हैं। ये ही अव्यय हैं, सृष्टि करने वाले संहार करने वाले तथा पालन करने वाले ये ही हैं। अमूर्त होते हुए भी ये मूर्तमान होकर मुनियों को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये धाता विधाता और सर्वव्यापी ही आ रहे हैं। ये अनादि अक्षय अनंत महाभूत और महेश्वर हैं। वाणी के अगोचर गोविंद हरि उन तपस्वियों के वचनों को सुनते हुए शीघ्र ही उन महात्मा उपमन्यु के स्थान पर गए। उन यदुवंशी देवकी पुत्र श्री कृष्ण ने प्रत्येक तीर्थ में श्रद्धापूर्वक आचमन कर मार्जन कर देवता ऋषि और पितरों का तर्पण किया और मुनीश्वरों के द्वारा नदियों के किनारे स्थापित अमित तेजस्वी शंकर के लिंगों की पूजा की। वहाँ के निवासियों ने जहाँ जहाँ भी जनार्दन को आते हुए देखा वहाँ वहाँ पुष्पों तथा अक्षतों से उनकी पूजा की। सांग धनुष शंख तथा अस धारण करने वाले एवं शुभ अंगों वाले उन वासुदेव का दर्शन कर वहाँ रहने वाले सभी निश्चल से खड़े हो गए। वहाँ योग में आरूढ़ होने के इच्छुक जिन लोगों के मन समाधिस्थ थे वे भी जनार्दन हरि को अपने सम्मुख देखकर उनका दर्शन करने के लिए अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख कर लिए। इधर श्री कृष्ण ने गंगा में अवगाहन करने के पश्चात देवताओं पितरों आदि का दर्शन तर्पण आदि कर उत्तमोत्तम पुष्प आदि लेकर श्रेष्ठ मुनि उपमन्यु के गृह में प्रवेश किया। योगियों में श्रेष्ठ भस्म से अवलिप्त शरीर वाले जटा और चीरधारी उन शांत मुनि को देखकर श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण को आते हुए देखकर तत्वज्ञ उन मुनि ने योगियों के प्रथम पूज्य उन्हें आसन पर बिठाया और उनकी पूजा की। मुनि ने कहा, हम जानते हैं कि वाणी के उत्पत्ति स्थान परम पद रूप अव्यक्त शरीर वाले विष्णु शिष्य के रूप में उपस्थित हुए हैं। ऋषिकेश आपका स्वागत है।
हमारे तप सफल हुए, जो साक्षात विश्वात्मा विष्णु ही मेरे घर आए हैं। प्रयत्न करते हुए भी योगी तथा मुनिजन आपको देख नहीं पाते, ऐसे आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? उपमन्यु के उस वाक्य को सुनकर केशी का मर्दन करने वाले महायोगी भगवान ने उन्हें प्रणाम कर कहा। श्री कृष्ण बोले, भगवन, भगवान शंकर के दर्शनों के लिए उत्सुक मैं आया हूँ। कृतिवासा गिरीश, भगवान शंकर का दर्शन करने की मेरी उत्कट इच्छा है। योग विदों में श्रेष्ठ भगवान ईश का शीघ्र ही कैसे दर्शन कर सकता हूँ? उन उमापति को मैं कहाँ देख पाऊँगा? ऐसा कहे जाने पर भगवान उपमन्यु ने कहा, तीव्र भक्ति एवं तपस्या के द्वारा वे परमेश्वर देखे जा सकते हैं, इसलिए ऐसा ही प्रयत्न करो। ब्रह्मवादी मुनिन्द्र, जप करने वाले तथा जो तपस्वी हैं, वे यहाँ उन देव ईश्वर देवाधिदेव का ध्यान करते हुए निवास कर रहे हैं। यहाँ भगवान देव वृषभध्वज अपनी पत्नी पार्वती सहित तथा विविध भूतों और योगियों से घिरे हुए सदा क्रीड़ा करते हैं। प्राचीन काल में इस आश्रम में कठोर तप करके भगवान वशिष्ठ ऋषि ने महेश्वर रुद्र से योग प्राप्त किया था। यहीं प्रभु कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास ने उन ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त कर ज्ञान प्राप्त किया था। इसी रमणीय श्रेष्ठ आश्रम में सुभरि ने भक्तिपूर्वक तपस्या करके जटाधारी रुद्र से पुत्रों को प्राप्त किया था। पूर्व काल में काल से भयभीत देवताओं ने यहीं पर श्रीमान हर महाकाल का दर्शन भय से रहित होकर शांति प्राप्त की थी। तपस्वियों में श्रेष्ठ द्विज सावर्ण्य ने यहीं पर महादेव की आराधना करके परम योग तथा उत्तम ग्रंथ रचना की शक्ति प्राप्त की थी। तभी उन्होंने कल्याणकारिणी सुंदर पुष्प प्रदान करने वाली पुराण संहिता का निर्माण कर सत्ययोगियों और द्विजातियों में उसका प्रवर्तन किया। पुरुषोत्तम, इसी स्थान पर कापेय शांसपायन ने महादेव का दर्शन कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके 12,000 श्लोकों वाली इस कूर्म रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा वर्णित पुराण संहिता का निर्माण किया। वेद सम्मत पूर्ण वायवीय पुराण संहिता का 16,000 श्लोकों वाला उत्तर भाग यहीं पर प्रवर्तित हुआ। यहीं पर शांसपायन द्वारा कही गई पुराण संहिता का प्रचार उनके शिष्यों ने किया। महायोगी याज्ञवल्क ने यहीं पर तपस्या द्वारा शंकर का दर्शन करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ योग शास्त्र का निर्माण किया था। पूर्व काल में भृगु ने यहीं परम तप करके महेश्वर से योग यज्ञों में श्रेष्ठ शुक्र नामक पुत्र को प्राप्त किया था, इसीलिए यहीं पर तपस्या करके देवताओं के ईश महेश्वर विश्वेश उग्र भीम कपर्दी का आप दर्शन करें। ऐसा कहकर महामुनि उपमन्यु ने सुंदर कर्म करने वाले श्री कृष्ण को पाशुपत योग, पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान प्रदान किया। उन श्रेष्ठ मुनि के कहने से वे प्रभु मधुसूदन वहीं पर तपस्या द्वारा रुद्र की आराधना करने लगे। सभी अंगों में यथाविधि भस्म धारण करके मुंडित एवं वल्कल वस्त्रधारी होकर अनन्य मन से शिव में चित्त को समाहित कर निरंतर रुद्र संबंधी मंत्रों का जप करने लगे। तदंतर बहुत समय बीत जाने के बाद अर्धचंद्रमा को आभूषण रूप में धारण किए सोम रूप महादेव महेश्वर देवी पार्वती के साथ आकाश में दिखलाई पड़े। उन श्री कृष्ण ने मुकुट गदा त्रिशूल पिनाक धनुष तथा चित्र विचित्र माला धारण किए हुए सिंह के चर्म रूपी वस्त्र से समस्त अंगों को आच्छादित किए हुए देवाधिदेव महादेव को देवी पार्वती के साथ देखा। हाथ में परश धारण किए हुए नृसिंह के चर्म से आच्छादित शरीर वाले प्रणव का उच्चारण कर रहे तथा सहस्रों सूर्यों के समान श्रेष्ठ त्रिलोचन भगवान शंकर का श्री कृष्ण ने दर्शन किया। उन्होंने श्री कृष्ण ने अपने समक्ष पुराण पुरुष सनातन प्रभु योगी ईश्वर अणु से भी सूक्ष्म अनंत शक्ति युक्त प्राणेश्वर शंभु को देखा। जिन रुद्र के प्रभाव का देवता पितामह इंद्र अग्नि वरुण तथा यम भी आज तक वर्णन नहीं कर पाए, उन आदि देव को श्री कृष्ण ने सामने देखा।
उस समय उन्होंने भगवान शंकर के वाम भाग में शंख, तलवार तथा चक्र धारण किए। आत्म रूप, अव्यक्त, अनंत तथा अनंत रूप वाले आदि देव विष्णु को देखा। वे भी बहुत सी स्तुतियों के द्वारा ईश शंकर की स्तुति कर रहे थे। उन भगवान शंकर के दक्षिण भाग में उन्होंने श्री कृष्ण ने हंस पर आसीन अत्यंत प्रभाव वाले देवताओं के स्वामी लोक गुरु पितामह को आकाश में हाथ जोड़े हुए ईश की स्तुति करते देखा। उन्होंने श्री कृष्ण ने तीनों लोकों के स्वामी श्री शंकर के सम्मुख हजारों सूर्यों के समान गणेश्वरों, अमित प्रभाव वाले नंदीश्वरादि को तथा मयूर सहित अग्नि सदृश कुमार कार्तिकेय को देखा। उनके पीछे की ओर मरीच, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, प्रचेता, दक्ष, कण्व, पराशर, वशिष्ठ तथा स्वयंभू मनु को भी देखा। उन उदार बुद्धि वाले विष्णु कृष्ण ने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ते हुए देवी पार्वती सहित शंकर को प्रणाम किया तथा अपने हृदय में आत्मस्वरूप का ध्यान कर देवताओं में प्रधान शंकर की मंत्रों द्वारा स्तुति की। श्री कृष्ण बोले, शाश्वत सबके मूल कारण आपको नमस्कार है। ऋषि लोग आपको ब्रह्मा का भी अधिपति कहते हैं। संत जन जप, सत्व, रज एवं तमोगुण और सब कुछ आपको ही बदलाते हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु, विश्वयोनि, अग्नि, संहर्ता और सूर्यमंडल में निवास करने वाले हैं। प्राण, हुतवह, अग्नि तथा इंद्रादि विविध देव आप ही हैं। मैं अद्वितीय देव ईश की शरण में आया हूँ। सांख्य शास्त्र वाले आपको एक रूप और गुणातीत कहते हैं। योगी जन हृदय में रहने वाले आपकी सतत उपासना करते हैं। वेद आपको रुद्र, अग्नि नाम से कहते हैं। मैं आप ईश देव की शरण में आया हूँ। मनुष्य आपके चरण में मात्र एक पुष्प अथवा एक विल्व पत्र ही चढ़ाकर संसार बंधन से विमुक्त हो जाता है। सिद्धों तथा योगियों द्वारा सेवित आपके चरण कमलों का स्मरण कर आपकी कृपा से मनुष्य सभी पापों को विनष्ट कर डालता है। तत्वज्ञ लोग जिन्हें सभी प्रकार के विभाग से रहित निर्मल अंतर हृदय में अवस्थित ज्योति, अनंत, अद्वितीय, अचल, सत्य, पर, सर्वव्यापी तथा आदि, मध्य और अंत से रहित स्थान रूप कहते हैं और यह संसार जिनसे उत्पन्न होता है, ऐसे आप सत्य विभव सनातन विश्वेश्वर शिव की शरण में मैं आया हूँ। प्रणव रूप नीलकंठ, त्रिलोचन और शक्ति रूप आपको नमस्कार है। आप महादेव तथा नित्य ईशान को बार बार नमस्कार है। पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले आपको नमस्कार है। मुंड और दंड धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हाथ में वज्र धारण करने वाले, दिशा रूपी वस्त्र वाले, कदर्पी जटाधारी आपको नमस्कार है। भयंकर नाद करने वाले तथा दाढ़ वाले कालस स्वरूप आपको नमस्कार है। नागों को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करने वाले और अग्निस्वरूप वीर वाले आपको नमस्कार है। गिरीश आपको नमस्कार है। स्वाहाकार आपको नमस्कार है। उन्मुक्त अट्टहास करने वाले आपको नमस्कार है और भीम रूप आपको बार बार नमस्कार है। कामदेव का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। काल का मंथन करने वाले आपको नमस्कार है। भयानक वेश धारण करने वाले आपको नमस्कार है और निसंग तर्कसधारी हर को नमस्कार है। तीन आँखों वाले आपको नमस्कार है। गज चर्म धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अंबिका के स्वामी को नमस्कार है और पशुपति को नमस्कार है। आकाश रूप आपको और आकाश के अधिपति को नमस्कार है। नर और नारी का शरीर धारण करने वाले, अर्धनारीश्वर तथा सांख्य और योग का प्रवर्तन करने वाले आपको नमस्कार है। देवताओं के स्वामी और देवताओं द्वारा आराधित लिंग वाले आपको नमस्कार है। कुमार के गुरु, कार्तिकेय के पिता आपको तथा देवाधिदेव आपको नमस्कार है।
यज्ञ के अधिपति को नमस्कार है, ब्रह्मचारी को नमस्कार है, महान मृगव्याध तथा ब्रह्माधिपति को नमस्कार है, हंस रूप को नमस्कार है, विश्व रूप तथा मोहित करने वाले को बार बार नमस्कार है, योगी योग से प्राप्त होने योग्य तथा योग ही जिनकी माया है ऐसे आपको नमस्कार है, प्राणों का पालन करने वाले प्राणी मात्र के प्राण रक्षक और घंटानाद प्रिय को नमस्कार है, कपाली आपको नमस्कार है, नक्षत्रों के स्वामी आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, पुनः आपको बार बार नमस्कार है। परमेश्वर आप मेरी अभिष्ट इच्छा को सभी प्रकार से मुझे प्रदान करें। विप्रों इस प्रकार वे माधव भक्तिपूर्वक देवेश की स्तुति कर देव और देवी अर्थात शंकर और पार्वती के चरणों में दंडवत गिर पड़े। मेघ के समान गंभीर ध्वनि वाले भगवान शंकर ने केशी को मारने वाले कृष्ण को उठाकर मधुर वचन कहा, पुंडरीकाक्ष अव्यय आपने तप क्यों किया है? क्योंकि आप ही कामना करने वालों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आप ही मेरी नारायण नाम वाली परम मूर्ति हैं। पुरुषोत्तम तात आपके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। केशव अपने योग द्वारा आप अपने को नारायण अनंत परमेश्वर महादेव और महायोगी जाने। उनका यह वचन सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण ने विश्वेश्वर तथा हिमालय पुत्री देवी पार्वती की ओर देखकर वृषध्वज शंकर से कहा, प्रभो शंकर आपको अपने योग द्वारा सब कुछ ज्ञात है, मैं अपने ही समान ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो आपका भक्त हो, श्री शंकर आप मुझे प्रदान करें। प्रसन्न होकर विश्वात्मा हर ने तथास्तु ऐसा कहकर और देवी पार्वती की ओर देखकर केशव का आलिंगन किया। तदंतर शंकर के आधे शरीर में स्थित संसार की माता हिमालय पार्वती की पुत्री देवी पार्वती ऋषिकेश से बोली, अच्युत केशव वत्स मैं ईश्वर शंकर में तथा मुझ में भी सर्वदा रहने वाली आपकी अनंत निश्चल और अनन्य भक्ति को जानती हूँ। आप ही साक्षात नारायण और सर्वात्मा पुरुषोत्तम हैं। पूर्व काल में देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर आप देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। आप अपने आत्म रूप को तथा अपने निर्मल पद को स्वयं देखें, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। विद्वान लोग हम दोनों को एक रूप से देखते हैं। केशव आप इन अभिष्ट वरों को मुझसे ग्रहण करें। आपको सर्वज्ञता ऐश्वर्य वह परमेश्वर संबंधी ज्ञान शिव में निश्चल भक्ति तथा अपने में श्रेष्ठ बल प्राप्त हो। उन महादेव के द्वारा ऐसा कहे जाने पर जनार्दन कृष्ण ने उनके वर रूपी आशीर्वाद को शिरोधार्य किया। देव महेश्वर ने भी कृष्ण से ऐसा ही कहा अर्थात आशीर्वाद प्रदान किया। तब देवताओं तथा मुनियों से पूजित होते हुए देवाधिदेव गिरीश भगवान शंकर कृष्ण का हाथ पकड़कर देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। इति श्री कूर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे चतुर्विंशोऽध्यायः 25वां अध्याय श्री कृष्ण का कैलाश पर्वत पर विहार करना, श्री कृष्ण को द्वारका बुलाने के लिए गरुड़ का कैलाश पर जाना, श्री कृष्ण का द्वारका आगमन, द्वारका में श्री कृष्ण का स्वागत तथा उनका दर्शन करने के लिए देवताओं तथा मार्कंडे आदि मुनियों का आना, कृष्ण के द्वारा महर्षि मार्कंडे को शिव तत्व तथा लिंग तत्व का महात्म्य बतलाना तथा स्वयं शिव का पूजन करना, ब्रह्मा विष्णु द्वारा शिव के महालिंग का दर्शन तथा लिंग स्तुति लिंगार्चन का प्रवर्तन। सूत जी बोले, मेरु शिखर के स्वर्णिम कैलाश पर्वत पर पहुंचकर महेश्वर भगवान शंकर केशव श्री कृष्ण के साथ विहार करने लगे। कैलाश पर्वत पर निवास करने वालों ने उन देवाधिदेव अच्युत महात्मा श्री कृष्ण को देखकर उनकी पूजा की। उन्होंने चार भुजा वाले उदार अंगों वाले प्रलयकालीन मेघ के समान प्रभा वाले मुकुटधारी हाथों में धनुष धारण किए श्रीवत्स से सुशोभित वक्षस्थल वाले दीर्घ भुजा वाले विशाल नेत्रों वाले पीतांबर धारण किए वक्षस्थल पर उत्तम वैजंती की माला धारण किए शोभा से सुशोभित दिव्य अति कोमल युवावस्था वाले
कमल वर्ण के समान रक्त चरण एवं नेत्र वाले अत्यंत सुंदर मुस्कुराते हुए अच्छी गति प्रदान करने वाले अच्युत श्री कृष्ण की पूजा की। वहां किसी समय माता देवकी के आनंद को बढ़ाने वाले शोभा संपन्न श्री कृष्ण लीला के निमित्त कैलाश पर्वत की गुहा में विचरण करने लगे। सभी प्रमुख गंधर्वों, अप्सराओं, नागकन्याओं, सिद्धों, यक्षों तथा गंधर्वों ने वहां उन जगन्मय श्री कृष्ण को देखा और परम आश्चर्यचकित होकर वे आनंद से प्रफुल्लित नेत्र वाले हो गए तथा उन महात्मा के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। दिव्य गंधर्वों की कन्याएं तथा उसी प्रकार श्रेष्ठ अप्सराएं श्री कृष्ण को देखकर अव्यवस्थित वस्त्राभूषण वाली होकर उनकी कामना करने लगी। गायन में पारंगत कुछ सुंदरियां काम मोहित होकर देवकी पुत्र की ओर देखकर विविध प्रकार